हेलो गैस, मैं अरविंद कुमार। आप जो ये अभी मैसेज देख रहे हैं, यू हैव बीन लॉग्ड आउट फॉर द सिक्योरिटी रीजन, प्लीज़ री लॉग इन। क्या आपको भी ये मैसेज आता है जब आप स्पाइस मनी के आईडी को लॉग इन करते हैं? अगर इस तरह का मैसेज आ रहा है और आप इस जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, ये फिर से लॉग आउट हो जाएगा। ये क्या रीज़न है, मैं इसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, हम लोग काफ़ी दिनों से जब आईडी को यूज़ नहीं करते हैं, आईडी को छोड़ देते हैं, तो उस स्थिति में इस तरह की समस्या आती है। अब ये हम केवाईसी कैसे करेंगे? तो केवाईसी, तो एक तो आप कस्टमर केयर से कॉल करके वहाँ से भी बात करके इसको केवाईसी करवा सकते हैं, या फिर दूसरा एक और तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग क्या कीजिए, अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लॉग इन कर लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और देख लीजिए, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पे लगाया हुआ है। तो आप लोग भी क्या करेंगे, इस डेस्कटॉप मोड वाले पे टिक कर देंगे। जैसे ही डेस्कटॉप मोड वाले पे टिक करेंगे तो आपको क्या होगा, ये कंप्यूटर के जैसे खुलने लगेगा, तो फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। अब देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ओटीपी मांगेगा, जो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। देख लीजिए, ब्राउज़र पे जैसे हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा, डू केवाईसी और कैंसल। यहाँ पे भी हमको सेम समस्या आता है, जैसे हम कैंसिल बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फिर से ये लॉग आउट हो जाएगा, और डू केवाईसी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ डिटेल्स लिए जाएंगे हमसे, जैसे कि मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक सेल्फ वीडियो डिक्लेरेशन होगा। देखिए, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, डू केवाईसी। जैसे आप डू केवाईसी करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म खुल के आएगा जिसमें आपको कुछ डिटेल्स फिल करने हैं और कुछ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। दूसरी, यहाँ पे अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये लॉग आउट हो जाएगा और ये आपको दोबारा से फिर लॉग इन करने के लिए ही बोला जाएगा जब तक आपका केवाईसी पूरा नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, डू केवाईसी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डू केवाईसी पे क्लिक करेंगे, देख लीजिए, यहाँ पे आपको आपका फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे आपको पैन कार्ड अपलोड कर देना है, यहाँ पे एक वीडियो अपलोड करना है। ये वीडियो कैसे बनाना है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से वीडियो देख के आप सेम वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको कई डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए दिया गया है, इसमें से आप कोई भी एक अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड या फिर आप पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या मनरेगा जॉब कार्ड, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी लेंगे उसका आपको नंबर डालना होगा, आधार कार्ड लेते हैं तो आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, पासपोर्ट लेते हैं पासपोर्ट का नंबर डालना होगा, वोटर आईडी लेते हैं तो आप उसका नंबर डालेंगे। अगर आधार कार्ड लेते हैं तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया गया है, आप सिंगल पेज डालते हैं, सॉरी यहाँ पे आप फ्रंट साइज डालेंगे अगर दोनों अलग अलग डालना है, और यहाँ पे आप यहाँ पे भी आप बैक साइड, यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस देखने को मिल जाता है। देख लीजिए, आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, और ये हो गया एड्रेस प्रूफ के लिए। अगर आप आधार कार्ड सिंगल पेज में आपके पास है तो आप यहाँ पे टिक करके लगा देंगे और इसके बाद यहाँ से आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जैसे आपका सबमिट होगा, कंपनी से आपका वेरीफाई करके आपके आईडी को फिर से चालू कर दिया जाएगा और आप फिर से काम चालू कर सकेंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस था, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।